सिवान और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया तक। सिवान सदर ब्लॉक पे हैं, नामांकन की आज आखिरी तिथि है और हमारे साथ चनौर के मुखिया जी हैं। चनौर से चार टर्म मुखिया रह चुके संजय जी हैं, अभी नामांकन की प्रक्रिया पूरी करके निकले हैं। क्या कुछ अपील करेंगे अपनी क्षेत्र की जनता से, पंचायत की जनता से? हम यही अपने जनता से अपील करते हैं कि जिस तरह आप लोग चार बार मुझे अपना प्यार स्नेह मत दे करके चार बार लगातार मुखिया बनाने का काम किया है, दो बार मुझे और दो बार मुझे पत्नी के, एक बार पुनः एक बार मौका दें और कि मैं आपको और बढ़ चढ़ के सेवा कर सकूं और मैं क्षेत्र का विकास कर सकूं। इतना बड़ा जनसैलाब लेके आए हैं, किस तरह की खुशी लग रही है? नहीं, जनसैलाब लेकर नहीं आए हैं, सब लोग मुझे आशीर्वाद देने आए हैं। बहुत लोग, पूरे पंचायत की जनता आई है, हर जाति धर्म के लोग आए हैं, हर जाति के भाई हमारे आए हैं, हमारे हमको प्यार स्नेह देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए। क्या लग रहा है ये जो जनसैलाब है, ये जो भीड़ है, वोट में तब्दील हो जाएगा? सारे लोग मेरे परिवार के हैं, हम सारे परिवार के हैं और सब लोग के हम हैं और हमारे सब लोग हैं। चलिए बताइए क्या कुछ कहेंगे। जिंदाबाद। हम आपको सिवान सदर ब्लॉक से दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से संजय मुखिया जो हैं उनको आज लोगों ने यहां फूल माला पहनाया है। नामांकन की प्रक्रिया जैसे पूरी करके वो बाहर निकले, उनके समर्थकों के साथ आज यहां सदर ब्लॉक पहुंचे हुए थे। और आपको बताते चले कि नामांकन की आज आखिरी तिथि है, इसको लेकर के जो भी मुखिया प्रत्याशी हैं, तमाम पद के प्रत्याशी जो हैं, वो आज आखिरी दिन है, तमाम प्रत्याशी पहुंच रहे हैं और अपना नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। संजय जी थे जो कि सिवान सदर ब्लॉक के अंतर्गत चनौर पंचायत आता है। चनौर पंचायत से चार बार के मुखिया रह चुके, दो बार ये रहे और दो बार इनकी पत्नी रह चुकी हैं, पांचवी बार तैयारी में है, लोगों का समर्थन इनके साथ है। जब हमने सवाल किया कि पूरा जनसैलाब लेके चले हैं तो इनका जवाब यही था कि ये जनसैलाब हम लेके नहीं, लोगों का प्यार और आशीर्वाद है जो हमारे साथ। मैं घर से निकला और लोग हमसे जुटते गए, आज सदर ब्लॉक पे आए थे, नामांकन की प्रक्रिया उन्होंने पूरी की है, जनसैलाब के साथ आए थे। ऐसी तमाम खबरें हम आपको दिखाएंगे, बने रहिए न्यूज़ इंडिया तक के साथ।